गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखिए सीएनसी का ही हम एक पार्ट करेंगे जिसमें हम सीएनसी मशीन्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए इस चैप्टर का जो सीएनसी एंड ऑटोमेशन है उसका कुछ पार्ट हमने पहले ही कवर किया था, जिसमें ऑटोमेशन, एफएमएस, ग्रुप टेक्नोलॉजी और पार्ट प्रोग्रामिंग और इन सब के बारे में बात की थी। आज जो है सीएनसी को थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे पूरा। ठीक है, सीएनसी का जो आपका डेफिनेशन है वो आपका कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल है, और ये एक एडवांसमेंट है किसमें, एनसी में, न्यूमेरिक कंट्रोल में। मतलब न्यूमेरिक कंट्रोल में जब आपने कंप्यूटरों को यूज किया तो वो कहलाया कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। ठीक है, तो न्यूमेरिक कंट्रोल से जब आगे हम एडवांसमेंट आया तो सीएनसी था, और उसी के साथ फिर हमारा दूसरी चीज आया था डीएनसी, जो डायरेक्ट न्यूमेरिक कंट्रोल है। ठीक है, या फिर हम उसका डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिक कंट्रोल भी कहते हैं, जहां पे एक सिस्टम कई सारे सिस्टम को सेंट्रलाइज करके बनाया जाता है। ठीक है, मतलब वो पूरे बाकी सारे सिस्टम पे देखरेख रखता है, पूरी उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आज हम सीएनसी के पार्ट को देखते हैं। सीएनसी में देखिए, जैसे आपको ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज है। हमारे पास यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास ये है, देखिए इनपुट डिवाइस से यहाँ पे आता है पार्ट प्रोग्राम। ठीक है, ये है हमारा एमसीयू। ठीक है, ये एमसीयू, एमसीयू के अंदर दो चीजें होती हैं, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट और कंट्रोल लूप यूनिट। ठीक है, यहां से देखिए दो चीजें बाहर की तरफ जाती हैं। एक, जब ये पूरा डेटा प्रोसेस हो जाता है तो ये आता है ड्राइविंग सिस्टम में। ठीक है, ड्राइविंग सिस्टम जहां से हमें क्या कहते हैं, कुछ मोशंस के बारे में पता लगता है। ठीक है, यह भी मैं आगे डिस्कस करूंगा इस चीज को। और ये ड्राइविंग सिस्टम मशीन टूल को कमांड देता है कि किस तरीके से परफॉर्म करना है। फिर यहां से ये फीडबैक जाता है, जो फीडबैक आपका दोबारा एमसीयू में जाता है, और ये सब चीजें हमें कहां दिखती है, डिस्प्ले यूनिट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट को पहले अलग अलग देखते हैं, उसके बाद हम पूरी उसकी वर्किंग देखें सीएनसी की। ठीक है, उसके बाद हम उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे, इस वीडियो में यही है। सबसे पहले देखिए, यहां पे मैं बात कर रहा हूं इनपुट डिवाइस की। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो सीएनसी में पार्ट प्रोग्राम को इनपुट देता है। ठीक है, जैसे यहां से हमारे पास क्या चीज आ रही है, यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, यहां से हमारे पास आ रहा है पार्ट प्रोग्राम। ठीक है, पार्ट प्रोग्राम आता है यहां से, तो ये पार्ट प्रोग्राम जाता है आपका एमसीयू में। ठीक है, मशीन कंट्रोल यूनिट में। अब मशीन कंट्रोल यूनिट में दो पार्ट होते हैं, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट और कंट्रोल लूप यूनिट। अच्छा, इसमें एक चीज और देखने वाली बात है कि इनपुट डिवाइस से जो इनपुट जाता है वो किस फॉर्म में जाता है। वो फॉर्म आपका दो तरीके का हो सकता है, तीन तरीके होते हैं, बट यहां पे हम दो की बात कर रहे हैं। यहां पे हम या तो पंच टेप रीडर से भेज सकते हैं या फिर मैग्नेटिक टेप रीडर से भेज सकते हैं। पंच टेप मतलब आपके पास एक टेप है। ठीक है, पंच टेप है, इस तरीके से कोई पंच रहता है और इसके ऊपर पंचिंग हुई रहती है, कुछ इस तरीके से पंचिंग हुई रहती है। तो ये सेट ऑफ कोड्स होते हैं जो इस पे पुट किए जाते हैं, और ये फिर कोडिंग डिकोडिंग सारी एमसीयू में होती है। ठीक है, इसके बाद आता है मशीन कंट्रोल यूनिट। इस पार्ट को हम सीएनसी का हार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सीएनसी का हार्ट भी कहलाता है। ठीक है, ये सारे कंट्रोलिंग एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, और कुछ इसके फंक्शंस जो हैं, जो वेरियस फंक्शंस हैं, वो कौन कौन से। पहला फंक्शन इसको, इसको ध्यान से सुनिएगा, पहला फंक्शन है कि ये सारे कोडेड इंस्ट्रक्शन को अपने में फीड करता है। ठीक है, उसको रीड करता है, फिर जो कोडेड फंक्शंस आए हैं उसको रीड करता है। ठीक है, फिर उस कोडेड इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, ये सारे इंटरपोलेशन को इंप्लीमेंट करता है, यानी कि चाहे वो लीनियर हो, सर्कुलर हो या हेलिकल हो, ताकि एक्सेस मोशन कमांड्स को वो जनरेट कर सके। ठीक है, जो आपकी प्रोग्रामिंग आई हुई है उससे किस एक्सेस पे उसे काम करना है, वो सारी चीजें मोशन कमांड वो जनरेट कर सके। ठीक है, इसका नेक्स्ट काम क्या है कि ये फीडबैक सिग्नल को रिसीव करता है। किस किस फीडबैक सिग्नल को, देखिए ये जो फीडबैक सिग्नल यहां से आ रहा है, यानी कौन 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 से फीडबैक सिग्नल आ रहे हैं, यहां से हमारे पास एक आ रहा है पोजीशन और दूसरा स्पीड फीडबैक। ठीक है, पोजीशन फीडबैक और स्पीड फीडबैक, यहां से ये वापस आ रहा है, वो यहां पे ये इसको रीड करता है। ठीक है, रिसीव करता है इसको, और क्या करता है, ये ऑक्सिलरी कंट्रोल फंक्शंस को इंप्लीमेंट करता है। जैसे कि क्या क्या हो सकता है, जैसे कि कूलेंट है, ठीक है, टूल चेंज है, स्पिंडल को ऑन ऑफ करना, ये सारी चीजें एमसीयू के द्वारा होती है। तो यहाँ पे आपको छह फंक्शंस पता लगे कि एमसीयू में क्या क्या चीज होती है। एमसीयू के अंदर जो भी चीज हो रही है, ठीक है, एमसीयू के अंदर जो भी चीज हो रही है वो आप यहाँ डिस्प्ले यूनिट पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मशीन टूल। देखिए ये मशीन टूल है। ठीक है, यहां से देखिए एमसीयू से यहाँ पे हमारे पास मिसकेलिनियस फंक्शंस आते हैं मशीन टूल में। ठीक है, अब मशीन टूल के बारे में देखते हैं क्या चीज है। मशीन टूल
इसके पास मशीन टूल में क्या होता है, एक स्लाइड टेबल होती है और एक स्पिंडल होता है, जिससे कि हम पोजीशन और स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मशीन टेबल होती है वो उसको एक्स और वाई एक्सिस से हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और जो स्पिंडल है उसको हम जेड डायरेक्शन से, जेड एक्सिस से कंट्रोल करते हैं। जेड डायरेक्शन एक्सिस में, जेड एक्सिस डायरेक्शन में हम उसको कंट्रोल करते हैं स्पिंडल से। ठीक है, स्पिंडल को कंट्रोल किया जाता है जेड एक्सिस डायरेक्शन में, मशीन टेबल को कंट्रोल किया जाता है एक्स और वाई एक्सिस में। ठीक है, फिर यहां पे हम बात करते हैं ड्राइविंग सिस्टम की। ड्राइविंग सिस्टम क्या होता है, ये कंसिस्ट करता है किस किस चीज से मिलके, एम्पलीफायर सर्किट्स होते हैं, ड्राइव मोटर होते हैं और बॉल लीड स्क्रू होते हैं। ठीक है, तो एमसीयू क्या करता है, इसमें सिग्नल को फीड करता है, जैसे कि पोजीशन और स्पीड। ठीक है, अब एम्पलीफायर सर्किट में वो सारे एक्सेस आते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल जो है यहां पे जो कंट्रोल सिग्नल होता है वो ड्राइविंग मोटर्स को एक्चुएट करता है। ठीक है, ड्राइविंग मोटर्स को एक्चुएट करता है और उसके कंट्रोल सिग्नल को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो जो एक्चुएटेड ड्राइवर मोटर्स होते हैं वो बॉल लीड स्क्रू को रोटेट करते हैं ताकि मशीन टेबल पोजीशन में आ सके। ठीक है, उसके सारे मोशन कमांड परफॉर्म होते हैं मशीन टूल के द्वारा, और उसके बाद आता है हमारा फीडबैक सिस्टम। ये क्या करता है, ये ट्रांसड्यूसर, ठीक है, जो कि सेंसर से, सेंसर की तरह एक्ट करता है, उससे उसमें ये सारी चीजें होती हैं फीडबैक सिस्टम में। ठीक है, ट्रांसड्यूसर होते हैं, सेंसर होते हैं। ठीक है, इसमें पोजीशन और स्पीड ट्रांसड्यूसर होते हैं। ठीक है, पोजीशन और स्पीड ट्रांसड्यूसर होते हैं जो कटिंग टूल के पोजीशन और स्पीड को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहते हैं। ठीक है, तो जो एमसीयू होता है इससे सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक है, जो एमसीयू होता है इससे सिग्नल को, फीडबैक सिस्टम से सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक है, और फिर काफी जो इसके रेफरेंस सिग्नल आ रहे हैं, जो फीडबैक सिग्नल आ रहे हैं, उससे कंट्रोल सिग्नल को करेक्ट करने की कोशिश करता है। जो ये कंट्रोल लूप यूनिट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो इसी काम को परफॉर्म करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये डिस्प्ले यूनिट है जो कि सारे डेटा को मॉनिटर, एक तरह से मॉनिटर है, जो सारे प्रोग्राम और कमांड को यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए लगा हुआ है। ठीक है, अब इसकी हम पूरी वर्किंग देखते हैं कैसे सीएनसी मशीन वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले यहां से देखिए, पार्ट प्रोग्राम फीड किया जाता है। ठीक है, पार्ट प्रोग्राम एमसीयू में फीड किया जाता है। ठीक है, एमसीयू में डेटा प्रोसेस होता है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम प्रिपेयर होता है। ठीक है, सारे मोशन कमांड यहीं पे बनते हैं। सारे मोशन कमांड बनने के बाद क्या होता है, जो ड्राइव सिस्टम है यहां से सिग्नल भेजा जाता है ड्राइव सिस्टम को। ड्राइव सिस्टम क्या करता है, एज अ मोशन कमांड वर्क करता है यहां पे। ठीक है, ड्राइव सिस्टम क्या करता है, मोशन और वेलोसिटी, जो मशीन टूल का जो मोशन और वेलोसिटी है उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, जो फीडबैक सिस्टम है वो पोजीशन और वेलोसिटी मेजरमेंट को रिकॉर्ड करता है जो मशीन टूल से आया है, और इसका फीडबैक सिग्नल किसे देता है, एमसीयू को। ठीक है, अब एमसीयू में जो फीड सिग्नल्स आ रहे हैं उनको कंपेयर किया जाता है रेफरेंस सिग्नल से। जो सिग्नल जो ऑटो जनरेट हुए थे, जो सिग्नल्स, उसको फीडबैक सिग्नल से मेजर किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, और फिर बाद में जो सिग्नल आए हैं अगर कोई एरर है तो उसे करेक्ट किया जाता है, और फिर नए सिग्नल मशीन रूम में भेजा जाते हैं ताकि राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। ठीक है, तो ये आपकी पूरी वर्किंग हुई सीएनसी मशीन की। ठीक, अब इसके बाद देखिए एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेज है कि सीएनसी का एडवांटेज है ये, यहाँ पे रिपीटेबिलिटी और प्रेसिशन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो आपके कॉम्प्लेक्स पार्ट्स हम बनाते हैं वहां पे इसकी रिपीटेबिलिटी है। ठीक है, एक ही पार्ट कई बार ये बना सकता है और एकदम सेम प्रेसिशन में बना सकता है। ठीक है, जो प्रोडक्शन है उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्टूर और सरफेस भी मशीन किए जा सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। ठीक है, ऑटोमेटिक टूल सेटिंग होती है और जो आपका वेस्ट होता है, स्क्रैप होता है, वो बहुत कम होता है। ठीक है, इसकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है, क्वालिटी बेटर होती है और ये सेफ है। ठीक है, पेपर वर्क बहुत लेस है और इस पर जो प्रोटोटाइप प्रोडक्शन हम कर सकते हैं वो बहुत फास्टर रेट होता है और लीड टाइम जो है उसमें रिडक्शन आती है। डिसएडवांटेज क्या है, इसका जो सेटअप है वो कॉस्टली है, ऑब्वियसली बात है कॉस्टली होगा। ठीक है, और इसको चलाने के लिए हमें स्किल ऑपरेटर चाहिए। ठीक है, ऐसे कि जैसे यहाँ पे कंप्यूटर यूज किया जा रहा है तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग नॉलेज होनी चाहिए, वरना हम इसका यूज नहीं कर सकते। और इसमें जो मेंटेनेंस है वो डिफिकल्ट है, क्योंकि सारे मैक्सिमम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हैं, तो वो उनको मेंटेन करना चाहिए, रेगुलरली मेंटेन करते रहना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो आई होप समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।